प्यारे मित्रों, मैं आप सबको नव साधन की ओर से क्रिसमस के पर्व के शुभकामनाएं देता हूं। क्रिसमस का पर्व प्रेम का पर्व है। क्रिसमस का पर्व ईश्वर के कृपा का पर्व है। क्रिसमस के पर्व ईश्वर के वरदानों का पर्व है। क्रिसमस का पर्व हमें यही कहता है, ईश्वर इंसान बनकर हमारे साथ में उपस्थित हुए हैं। हम पवित्र ग्रंथ में ये पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 में यह कहा गया है, प्राचीन काल में ईश्वर अनेक विविध प्रकारों में हमारे पुरखों से नबियों के द्वारा बोला था और अंत में ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। ईश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आए, उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। वो इतिहास प्रेम का, ये इतिहास न्याय का, ये इतिहास शांति का, और वो शांति को लेकर इस संसार में आए हैं। हम ये सुनते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य बनकर इस संसार में आकर एक प्रेम का इतिहास रचा है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए हमें रोम या यरूशलेम जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने भाई बहनों में उसे ढूंढ सकते हैं। इसलिए हम अक्सर क्रिसमस के समय ये गीत गाते हैं, मैंने बालक यीशु को पाया, बच्चों के रुदन में पाया, माता के ममता में पाया, पिता में देखा साया। हमें चाहिए कि हम अपने भाई बहनों में उस प्रभु ईश्वर को पहचाने, उसको हम अपने जीवन में अपनाएं। आज क्रिसमस की विडंबना की बात है, हमारे क्रिसमस के जो सेलिब्रेशन है उसमें यीशु बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे पास क्रिसमस ट्री है, हमारे पास गौशाला, सुंदर गौशाला है, हमारे पास मीठे पकवान रहते हैं, हमारे पास मित्रगण रहते हैं, लेकिन यीशु हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस क्रिसमस के अवसर पर यीशु को अपने पल्लियों में, अपने जीवन में, अपने परिवारों में जगह दें, और जब हम यीशु को अपने परिवारों में बुला देंगे तब हमारे जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है वो और भी अर्थपूर्ण होगा। यीशु 35 साल उन्होंने इस संसार में जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन आप इस तरह मनाइए, आप एक सुंदर चरनी बना दीजिए, सुंदर या बड़े तारे को अपने घरों पर टांग दीजिए, मीठे पकवान बना दीजिए, केक बना दीजिए और क्रिसमस कैरल्स गाइए। लेकिन उन्होंने यही संदेश हमें दिया, मैं प्रेम और भाईचारे रूपी क्रिसमस कार्ड लेकर आपके सामने आया हूँ और आप दया एवं करुणा रूपी उस क्रिसमस केक को दूसरों से बांट दीजिए, सत्य और न्याय रूपी नक्षत्र एवं तारों को अपने घरों पर टांग दीजिए। और जब आप एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वहाँ पर मेरी चरनी बना दीजिए, वहाँ पर मैं आपके सामने उपस्थित होने के लिए तैयार हूँ। खुशियों की रात आ गई, नगमों की रात आ गई। आज गगन में देखो कैसी
तारों की बारात छा गई। खुशियों की रात आ गई, नगमों की रात आ गई। देखो देखो उस तारे को, दूल्हा जैसा है चमक रहा। जाने किस घर तारों की बारात लेकर जा रहा। आओ चलो हम भी चले, आओ चलो हम भी चले। उमंग दिल पर छा गई, उमंग दिल पर छा गई। देखो देखो उस तारे को, दूल्हा जैसा है चमक रहा। जाने किस घर तारों की बारात लेकर जा रहा। आओ चलो हम भी चले, आओ चलो हम भी चले। उमंग दिल पर छा गई, उमंग दिल पर छा गई। देखो देखो उस तारे को, दूल्हा जैसा है चमक रहा। जाने किस घर तारों की बारात लेकर जा रहा। आओ चलो हम भी चले, आओ चलो हम भी चले। उमंग दिल पर छा गई, उमंग दिल पर छा गई। आज गगन में देखो कैसी तारों की बारात छा गई। आज गगन में देखो कैसी तारों की बारात छा गई। खुशियों की रात आ गई, नगमों की